वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये गुरद्वारा साहब गुरु तेग बहादुर जी पिंड घराचो विखे, जिथे कि दरबार साहब की सेवा चल रही है, इतने किसी गुरमुख प्यारे की रिश्तेदारी के भोग ते जाण दा मौका मिलिया, जिथे कि मन बहुत ही खुश होया। कई बार कहिंदे ने सादा काम सादा रहना सादा खाना है ना, देखो यह किन्ने गुरमुख प्यारे इस शरदा के नाल मतलब कि साफ सफाई कर रहे हैं। जिथे कोई टेंट टुंट ला के करता भोजन पानी, उत्थे अद्धा तो जूठ खाते ने। इत्थे देखो किन्ने सारे मित्र प्यारे ने, सारे किन्ना साफ सफाई कर रहे हैं, है ना। बहुत खुशी मन में अरदास करते कि मैं तो दोबारे फिर इसी तरह ही सारा सादे लिवास के आ के अपना काम किया जाए, ब्याह शादियाँ किए जाए, भोग से काम किया जाए। देखो कितनी खुशी हुई है, सारे गुरमुख प्यारे ने बड़े साफ तन मन के साफ कर रहे हैं, है ना। इस तरह ही ये गुरमुख प्यारे सारे है जड़े आओ भगत वास्ते खड़े ने। देखो कोई साधे पंत ने, साधे पंत ने आए सबनों आया जिया कहते हैं, तो ये परिवार लंबरदार दे नाल जाना जाता है। भाई खेम सिंह जी काफ़ी चिरों तो स्वर्गवास हो गए सन, उन्होंने पत्नी सी, जाने का मौका मिले, बहुत ही खुशी हुई कि सादे सादे ढंग के नाल प्रशादा पानी छका रहे हैं। तो इस तरह ही सारियां नूं करना चाहिए। सो आ देखो पंगत दे विच बैठ के जिन्ने भाई इन्होंने रिश्तेदार ने दोस्त मित्र ने सारे साथ संबंधी ने, ये सारे आपो अपने काम पर लगे हुए ने। जिन्हें देखो उन्हें बैरिया नहीं सदा है, उन्हें ना कोई जूत देखनी है ना कोई सूट देखनी है, ये सारे दोस्त मित्र इन्हों के परिवार के पूरे मतलब कि सेवा से लगे हुए हैं। कितनी खुशी है पंगत के विच बैठ के, जिमें गुरु साहबान ने अपना लंगर छकाने की प्रथा चलाई सी, उस तरह ही यह लंगर पानी चल रहा है। बीबिया भैन हड बह के छक रही ने लंगर च, कितनी खुश होंगे है। हलाथी मार के रज के भोजन पानी छकया जाता है, ठीक है। एक माता बिरद हैगी, इन्होंने कुर्सी जरूर लाई है, पर सारे प्रशादा पानी जोड़े है ना वह पंगत च बह के छक रहे हैं। आ सहरे दोस्त मित्र ने जिन्हें प्यारे सेवा कर रहे हैं, कितने वो बैले बैठे रहेंगे, बैरियां ने करना सी कोई जूठ सूठ बिछे चली जाती सी, इस करके बहुत मन खुश होया। लंगर च प्रशादा पानी पहला छक है, देखो आ देखो मित्र प्यारे सारे दोस्त परिवार है इन्हों का, सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे, हाँ देखो बहुत ही मन खुशी हो। तो इस करके सारे निम्रता से बेनती है कि गुरु घर के बीच जाके भोग पाने में जोड़े वह इस तरह ही पंगत के बीच बैठ के प्रशादा पानी छकया जाए। देखो कितनी खुशी की गल है, सारे इधरों आह बीबी भैन जड़िया है ये सेवा पर लगी हुई ने, लंगर बना रही ने अपने हथ है ना, कि मन खुश होंगे खेरा है ना। ले है देखो अपने हाथों के नाल सेवा करनी है, जे कि आप मुल लिया उन्होंने ना कोई जूठ देखनी ना सूच देखनी है, सारे नाले वाहगुरू का जाप कर रही ने सारिया संगत, तो नाल ही मतलब कि खुशी होंगी है सारा परिवार रल मिल के। इधरों बारी ना लग जाए बीबिया इधर ये पकड़िया ने, कि खुश हो रहे मन जो आप बहरा बूरन लियाने ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜੂਠ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੂਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ना कोई रौला ना कोई दौना। हूँ जो उत्थे टेंट टुंट जे लगे ने पा के प्लेटां दे विच बह जांदे ने, ते किसे दे विच वजदा कोई किसे दे विच वजदा है ना, ना कोई चज्ज नाल खाणा खा सकदा। हुण पंगत दे विच बह के ना पूरे वजे दे नाल रोटी पानी प्रशादा पानी छक रहे ने। आ दरबार साहिब है, श्री गुरु तेग बहादुर जी इत्थे पहुँचे हुए सीगे 1700 कुछ ईस्वी दे विच, ते बहुत सादा काम चल रहे हैं। वाहेगुरू भला करे, इस तरह ही देखो है ना, कोई दिखावा नहीं, सादा भोजन है बिल्कुल, पंगत के बिच बह के अंग सारे
चल रहे हैं। आओ सू हूँ दरबार साहब के दर्शन करवाने, बहुत ही वधिया कितना सोहना। शानशाह वाह गुरु का, पिंड धराचू इतने दरबार साहब के बच्चे हाँ एक सरोवर साहब भी बने हुए हैं जो कि ये सरोवर है बहुत बढ़िया। हाँ बीबियाँ बाहर बैठी ने, बाहर आवाज आ रही है, सीबी कर दी सुन रही है, अंदर थोड़ा ठंड करके बाहर धुप के बच्चे बैठ रही ने, आनंद उम्मीद कथा हो जो चल रही है वो सुन रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਕਰਤੇ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪੰਡਤ ਕਰ ਮਨ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸਾਇ ਡਾਲੀ ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕੀ हाथ जोड़ के करती है सात संग जी। फिर माता जी प्रति बलवंत जी होर भी कहते ने दर सेवे उम्मत खड़ी मसकले हुए जगाली दर दरवेश खसम दे दरवेश ने सात संग जी दर वाले ने गुरु अंगद जी महाराज ਖਸਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਖਸਮ ਦੇ ਪਤਲੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਨ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌਕ ਪੁਤਰਾਲੀ ਪੁਤਰੇਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰੇਲੇ ਬਣਾਏ। ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ। ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੀਸ ਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਘਿਆਲੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ
गुरु चरणा च टिके हुए ने, वाणी पढ़ते ने, गुरु के लंगर छकते ने, ते गुरु की कारनहार भी करते ने सत्संग दी। ऐसे गुरसिखा के मुख उजले, मुखा ते लाली छाई हुई है सत्संग दी सिखा दे। मनमुख थी पराली, पराली पीली हुंदी है सत्संग दी, मनमुखा दे मुंह पीले पए पए ने डर दी मार सत्संग दी, क्योंकि जिहदे शरीर च ताकत नहीं है रंग चेहरे का आप ही पीड़ा पै जाना है सत्संग। गुरसिखा के मूह इन्ने उजले ने, सारे सिफत करते ने भी यह सिख है भी गुरु का। मन कथी ए पराली, पै कबूल खसम नाल, खसम के नाल कबूल हो गई है सत्संग दी। खडूर साहब दे विच माता खीरी, जां काल मरदी काली, किन्नी घालना घाली है गुरु घर के लंगर की नींह वधदी माता ने सत्संग दी। माता खीरी सहो सोए जिन गोए उठाती, गो नाम धरती रह उन्हें पूरी धरती दे सिखा प्यारियां दी। सत्संग जी जुम्मेवारी चुक ली, ये सिख मेरे पतरेले ने, मेरे बच्चे ने, मेरे पुत्र ने। माता की भी सौ सोए जिन गोए उठा ली, हो रो गंग बहाई है दुनियाई आखे के क्यों ना। माता ने तो ऐसी होर गंगा बहा दिती है, एक गंगा पहला चल रही है सत्संग जी भगत पावनी लोकां दे पाप हरन वाली। एक माता खीवी ने गंगा बहा दिती है गुरु घर की चाली दी सत्संग जी दे विच। जिस तरह गंगा पापनाशनी पापां दा नाश कर दिंदी है चुभियां मारन वाले दा, उदय सत्संग जी गंगा तो यह दात लेंदे ने फकीर ने, जिहड़े साधु ने सत्संग जी अपने पापा नूं कटा लेंदे ने गंगा दे विच नहा के। पर इत्थे गुरसिखां ने माता खीवी दी गोद दा निक माणिया, पतरेलियां दा मान माणिया, ते उहनां ने होर गंग वहाई है, एक होर गंगा बहा दिती है माता खीवी ने। नानक ईश्वर जगनाथ उचर दी वैण विर के आउण, ते कहिंदी की है सिखां नूं सत्संग जी, धन गुरु नानक साहिब महाराज ईश्वर दा रूप ने, उहनां नूं ईश्वर करके जानना करो, अपने पतरेलियां नूं प्यार भी करती है, प्रशादा पानी भी सिखाउंदी है, ते सत्संग जी धन दौलत भी बंडदी है, ते नाल सिक्खियां दे रही है पतरेलियां नूं सत्संग। नानक ईश्वर जगनाथ, पूरे जगत दे नाथ ने, वो जगत दे मालक ने धन गुरु नानक साहिब महाराज, ते उहनां नूं ईश्वर जानना कर। उच्चर दी वैन वैन बोल, इस तरह के बोल बोलती है माता अपने पतरेलियां नूं। वैन विरक्यौन, विरक्यौन सत्संग जी बड़े विराग दे बोल बोलती है नाल। मधाणा पर्वत कर नेत्र वासक शब्द रड़क्यौन, जिस तरह देवत्यां ते राक्षसां ने विंध्याचल पर्वत का मधाणा बना के विष्णु भगवान नूं कछु बनन लई बेनती करके कहिंदे थल्ले टिको इहदे, ते इक पासे देवते लगे इक पासे राक्षस लगे, ते समुंदर रड़किया
समुद्र दे विच्चों 14 रतन निकले सा सकते। इधर माता जी ने भी नेता पा लिया है गुरु के शब्द का, गुरु के शब्द न वार बार जपाउंदी है ते रड़कदी है सा संग जी। मधाणा पर्वत कर नेत्र वासक शब्द रड़के आउण, किहड़े शब्द नू रड़कण लाता सिखां प्यारे नू? कहिंदी ईश्वर ने, धन गुरु नानक साहिब महाराज ते जगत दे नाथ ने। यह पक्की गल जाण दो, यह पक्की गल अपने हिरदियां दे विच बिठा दो। जिहड़ा भी सिख प्रसादा छकण आउंदा है ना, पहला उह तों साध संग जी नाम जपाउंदी है, धन गुरु नानक साहिब महाराज जी नू याद कर पुत्रा, ते जगत दे नाथ ने धन गुरु नानक साहिब महाराज, ते ईश्वर ने। ईश्वर किहनू मानदी है दुनिया? ईश्वर ईश्वर सच्चा पातशाह इक दी नाम ने साध संग जी दे, निर्गुण स्वरूप ने। जदों साध संग जी ये चिंतन किया, चिंतन दे विच सा संग जी निर्गुण स्वरूप ने ख्याल किया मैं वाणे रूप होके संसार ते लै जावां, हिरण गर्भ दे रूप दे विच उचारण किया होया ब्रह्मा जी ने संगोदय सिमरती दे विच भी है सा संग जी। ते दर्भ हिरण की बाणी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच भी कीता भगत ने, पर दर्व हिरण की बाणी ये पढ़ते हो सुनते हो सार संग जी। वेणी भगत ने जिन्होंने गर्व हिरण को दर्व हिरण कह रहे हैं गुरु सार संग पंजाबी रूप के विच, गर्व हिरण संस्कृत तो गुरु प्यारे हो। ये मतलब कि मेरा कहने का भाव कि सादे रिवाज के जोड़ा काम चल रहा है, कोई इतने बड़ा दिखावा नहीं है, भावें वधिया गुरमुख परिवार है पर फिर भी सादी परिवार चो सादा खाना सादा बैठना, कथा चल रही है। गुरु तेग बहादुर जी इस गुरद्वारा साहब पहुँचे हुए हैं, सो बहुता टाइम ना होंदे हो, सो वैसे इसी इन्नी कु जानकारी देनी सी कि वाहगुरु पहला करे सारिआं ते कि आपां सादे लिबास दे विच रहिए, भोगां दे उत्ते बड़ा खर्चा ना करिए। सब तो वड्डी मेन गल यह है जदों आपां टेंटां दे उत्ते भोजन छकाउने आ उदों रज के भी नहीं खादा जाता, तो झूठ घूठ भी बहरियां दी इसे तरह चली जाती होंगी है। सो कृपा करो गुरु प्यारे हो, आपां क्यों जिन्ने अपने गुरु साहिबां ने आपां नूं समझाया होया पंगत दे विच रंगत, रंगत दे विच पंगत बह के प्रशादा पानी छकीए, ये सादे लिबास दे विच रहिए। बहुत बहुत धन्नवाद गुरु प्यारे हो। सो उदास यही बेनती करता है कि आपां भोगां दे उत्ते की ब्याह शादियों के उत्ते की खर्च घट घट करिए, सादे प्रोग्राम करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।